जी, प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया शाह, और मेरे साथ इस वक्त काफी दिन के बाद बहुत मुश्किल से हमें टाइम मिल सका शमा जुनेजो साहिबा मौजूद है यूके से। और शमा जुनेजो आप जानते हैं एक बहुत नोन पर्सनालिटी है। इसकी वजह ये है कि जहाँ वो एक्टिविस्ट हैं वहीं पर वो एक पब्लिक पॉलिसी के तौर पर उनकी बड़ी एक्सपर्टीज है, फिर एडवोकेट भी हैं, फिर इसके अलावा बहुत सारे काम जो है वो करती हैं। इन्होंने डॉक्टरेट कर रखी है। और शमा जुनेजो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो वंस अगेन। शुक्रिया आलिया, आई एम सो सॉरी। जब भी आप कहती हैं कुछ तो मैं इधर उधर होती हूँ। आज भी देखेंगे, फ्राइडे द 13th की वजह से मेरी गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया, तो आई एम सॉरी आई एम लेट, लेकिन बहरहाल वी मैनेज्ड इट। नहीं, बल्कि आई एम सो सॉरी, मैंने सुना गाड़ी का वहां पे आप एक तो इतना बिजी रहती हैं सुबह से लेकर रात तक, और फिर इस तरह की चीजें भी होती रहती हैं, और वहां पे ठंड भी बहुत बहुत है। बहुत बहुत तो शमा जी, बात शुरू करते हैं जरा। हम देखिए, खान साहब ने क्या फरमाया। अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि फौज से लड़ाई, ये तो पागलपन है, फौज से लड़ाई तो मैं नहीं चाहता। उन्होंने कहा मैं जनाब माफ कर देता हूँ, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ, जो कुछ आजम स्वाती के साथ हुआ, सब कुछ मैं माफ करने को तैयार हूँ, आगे बढ़े। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब उनको लग पता गया है कि कल के बाद से पंजाब में उनकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, और वायदे के मुताबिक वो अगर केपी भी गवर्नमेंट तोड़ देते हैं तो फिर पूरे पाकिस्तान में उनको जाए पना कहीं भी नहीं है, और गिरफ्तारी से कोई भी नहीं बचा सकता। दूसरी बात यह कि खान साहब को मुफ्त का खाने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि अब जब वो अपोजिशन में जाएंगे, बल्कि अपोजिशन तो नहीं होगी, केयर टेकर्स जब आएंगे तो उन्होंने जाहिर है उनके वो अलल्ले तलल्ले नहीं उठाने। तो फिर उसके बाद एक और जो खतरनाक चीज वो ये है कि अब शायद आज उनको 24 घंटे गुजरने के बाद ये रियलाइज हो गया है कि वो वाली इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो पहले थी, जिसने थाली में रखकर आरटीएस भी बिठा दिया था, और फिर आपको पता है कि जो चमत्कार होते थे कि सारे लोग टूट टूट कर पीटीआई में आ रहे थे, फंडिंग भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा है, तो वो चीजें अब उनको नए इलेक्शंस में नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि फौज से मेरी कोई लड़ाई नहीं। लेकिन आपने अगर ये मेरा ट्वीट देखा हो तो मैंने ये लिखा है कि खान साहब आप भूलना चाहें भी तो आर्मी चीफ भी नहीं भूल सकते कि उनको आपने DGISI जब वो थे तो किस तरह से निकाला था, और उनके आर्मी चीफ बनने तक आपने क्या क्या साजिशें की, और बाजवा साहब से लेकर जो एक मेजर जनरल है जिनको वो डर्टी हैरी कहते हैं, और जो दूसरे हैं उन्होंने जो गालियां दी, जो उन्होंने एक बाकायदा कैंपेन चलाई ना सिर्फ एंटी एस्टेब्लिशमेंट बल्कि एंटी पाकिस्तान जो उन्होंने कैंपेन चलाई, तो वो जाहिर है वो कोई भी नहीं भूल सकता, क्योंकि कभी वो कहते हैं अमरीकी साजिश है, फिर उन्हीं अमरीकी सफीरों से मिलते हैं और अमरीका की वो कहते हैं कि नहीं मैं पीछे हट गया हूँ और वो बात से मूव ऑन कर गया हूँ, फिर वो कहते हैं कि फौज मेरे कत्ल में मुलव्वस है, फिर कहते हैं नहीं 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 मेरे कत्ल की साजिश में फौज मुलव्वस नहीं है, वो बाजवा साहब थे, फिर उस बात से भी फिर जाते हैं। तो ऐसे मेंटली अनस्टेबल शख्स को कौन लेकर आएगा? वो जो उनका एक प्रोजेक्ट इमरान था और जो हाइब्रिड रिजिम का एक एक्सपेरिमेंट था वो तो खत्म हो गया ना। तो अब बात ये कि ये चीज खान साहब को भी समझनी चाहिए कि अगर वो जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे तो अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो उसको फिर दोबारा नहीं करते, उसको फिर बिन में डाल देते हैं, और फिर वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट्स जो होती हैं, स्टेब्लिशमेंट्स जो होती हैं, वो फिर वो मिस्टेक्स नहीं करती जो वो पास्ट में करती आई हैं। तो खान साहब वैसी नेसेसिटी नहीं है ना फौज के लिए, ना स्टेब्लिशमेंट के लिए, ना ही इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए, अपने जो उनके जिस तरह के बयानात हैं कि वो एक नेसेसिटी बने। ठीक। अच्छा शमा जी, ने जो आप क्या देख रही हैं कि अब जैसे असेंबली, वो काफी दिन से कह रहे थे, तो बल्कि बड़ा मजाक उड़ाते रहे लोग, हम भी ये कहते रहे कि बस कह रहे हैं, बस असेंबली कौन से इन्होंने डिसॉल्व कर, उन्होंने असेंबली भेज दी। तो यानी जो वो करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो और वो असेंबली डिसॉल्व करने पर तैयार है, इसका मतलब ये हुआ। और इलेक्शन होते हुए आप देख रही हैं? देखें, एक चीज है आईनी और एक चीज है कि आपका हंच क्या कहता है, या आप हंच में नहीं कहूंगी, आपकी असेसमेंट क्या कहती है। बात यह है कि पंजाब की जो ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि वहां पर अभी मर्दमशुमारी का, आपको पता है सेंसस की लिस्टें अभी बन रही हैं, तो वो अभी वो चीज एक कंप्लीट नहीं हुई। नंबर टू ये है कि रमजान का महीना आ रहा है, रमजान में आपको पता है हमारे पाकिस्तानी किस किस्म के लोग हैं,
और किस तरह से रमजान में एक होता है, और रमजान के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद भी हमारा रमजान शुरू होने से पहले भी वो चलता रहता है, और शुरू ईद के बाद भी 1-8 हफ्ता तो हो जाता है। तो वो एक ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये चीज, यानी जो एक एक होती है ना कि भाई आप पंजाब पाकिस्तान का 62% ऑफ द पॉपुलेशन है और वो इलेक्शन में जा रहा है, तो वो इतने जलसे वगैरह वो चीज बनती मुझे नजर नहीं आ रही। वो एक सेटअप और वो सारा कुछ रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मुझे वो पुश होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नंबर टू, एक और बात है कि बलदियाती इलेक्शंस भी होने हैं, तो एक तरफ बलदियाती इलेक्शंस होंगे, दूसरी तरफ पंजाब प्रोविंशियल के प्रोविंस के इलेक्शंस होंगे, और जो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि यह है कि मेरे ख्याल में कि किसी अदालत को भी इस पर सोचना चाहिए। अदालत तो आपको पता है कि जो जजेस साहब का इमरान खान के साथ जितनी मोहब्बत है, उसके भी हमें फैक्टर्स कभी हो सकता है कि आके पता चल जाए 5-10 सालों के बाद की मोहब्बत का राज क्या था। लेकिन बात यह है कि ये चीज जो एक आप देखें कि अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में जनरल इलेक्शन से 6 महीने पहले एक गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो कितना अफेक्टेड होगी ऑन द इम्पार्शलिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट्स जनरल इलेक्शंस। तो वो चीज जो है, तो मुझे जो मेरी असेसमेंट है वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये कोई निगरान सेटअप अगर आ जाए केयर टेकर का, तो वो शायद कहीं कोई चीज ना हो जाए और लंबा ना चल जाए। मेरे ख्याल में खान साहब को भी ये बात पता चल गई, और जिस तरह से आज परवेज इलाही कल से चीखे मारते फिर रहे हैं कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद की, पहले उन्होंने कहा तहरीक लाए, फिर आज देखे महमूदुर रशीद का बयान आया, फिर स्पीकर ने कहा खुदा के लिए हम वापस ले लेते हैं, हमें तारीख दे दें। तो वो ये खुद भी, उनको अभी जो सिंधी में एक कहावत होती है कि इनको पता चल जाएगा कि 100 में कितने 20 होते हैं, तो इनको ये चीज अभी पता चलेगी। तो मुझे आईनी लिहाज से तो हाँ 90 डेज का है, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी है तो वो चीज मुझे नहीं लग रहा कि ये इतना आसान हो पाएगा, और कोई ना कोई मुझे लगता है कि कोई ग्लिच आ जाएगा या कुछ चीज हो सकती है, और जिसके बड़े फैक्टर्स भी हैं। आईन भी इजाजत देता है कि अगर आपकी, यानी जिस तरह से कुदरती आफात है, देखें पंजाब में भी तो डिस्ट्रक्शन आई है ना, या जो मैंने सेंसस की बात की तो वो चीज नहीं हो रही। देखें यही चीज कराची के भी बलदियाती इलेक्शंस में हो रही है ना, कि सब कुछ रेडी था लेकिन MQM ने शोर मचा दिया कि ये नहीं होंगे, और अब देखें अब कुछ पता नहीं चल रहा कि पीपुल्स पार्टी ने भी कहा कि नहीं नहीं होंगे, MQM भी कह रहे हैं कि हम करने नहीं देंगे, तो आज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया। लेकिन मुझे वहां पर भी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, सिंध में भी, इवन दो के 48 घंटे भी नहीं रहे, और मुझे पंजाब में भी बड़ा मुश्किल लग रहा है कि इस तरह से हो जाएंगे इलेक्शंस। अच्छा, ये जो बात कही जा रही है, मैं देख रही थी, बल्कि हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो इमरान खान है वो नाहली के लिए तैयार हो जाए, यानी कोई 7 साल 10 साल इतनी जो है वो डिस्क्वालिफाई हो सकते हैं। तो पहले काफी अर्सा ये बात चलती थी, अब एक मरतबा फिर अगर उनको, जाहिर है कि जो कोर्ट के मामले आते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से रिपोर्ट करते हैं और देखते हैं, तो क्या आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान जो है डिस्क्वालिफाई हो सकते हैं जो केसेज है उनके किसी बिना पर? देखें अगर इंसाफ का पलड़ा वाकई बराबर होता तो इमरान खान बहुत पहले डिस्क्वालिफाई, ये शख्स काबिल ही नहीं था कि इलेक्शंस लड़े। पाकिस्तान में जो ये 62-63 है, उनकी जो बच्ची का मामला या उनके जो अपनी हम ऑडियोज देखी हैं, बल्कि एक आध उनकी वीडियोस के भी स्टिल आपको पता है जो आए हैं, तो वो तो कहीं से भी वो नहीं होता, लेकिन चमत्कार होता रहा। तो चमत्कार हो सकता है अब भी कोई हो जाए कि वो जजेस उनको बचा लें, क्योंकि जजेस तो बड़े एक्टिव हैं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स जाकर वो उनको बचाते हैं। और यानी यह है कि आईन की भी नई नई हमने देखा है कि जुडिशरी बैठकर एक तरह कर रही है, या जिस तरह से वो सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन बात आपको यह पता है है कि ये जो चीफ जस्टिस की तरफ से ये बात कही गई, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की तरफ से, कि आवाम को जो है वो कर्जा नहीं चाहिए, वो रोजगार चाहिए, तो इसमें अदालत का क्या काम है इनका बातों में बोलना? मैं तो बड़ी हैरान हूँ। देखे मैं थोड़ा सा, आई एम सॉरी जो भी आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, मैं अपनी हार्श लैंग्वेज पर माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन यही काम जब साकिब निसार ने किया था, तो मैंने, वो चीफ जस्टिस थे और बड़े पावरफुल चीफ जस्टिस थे, मुझे बड़ी धमकियां मिली थी, लेकिन मैंने उनको हरा, तुझे जिस चीज की तनख्वाह मिलती है तू वो बैठकर काम कर।
तो बंदियाल साहब की, क्योंकि मैं बड़ी नहीं रिस्पेक्ट करती हूँ, कहती मैं जो बड़ी आई रिस्पेक्ट करती हूँ, तो हाँ मैंने इनको हरा तो नहीं कहा, लेकिन मैंने इनको ये कहा है कि बंदियाल साहब, जो आपको तनख्वाह मिलती है उसे, आपके हजारों केसेस पेंडिंग हैं, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो जाकर पूछे कि कहे कि चाइनीज से जाकर पूछो कि सैलाब का पानी किस तरह से निकलता है, या कीनिया की हुकूमत को जाकर बताएं कि ये जो GIT है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, तो वो कहेंगे भाई तू कौन, वहां पर हमारी क्या जुरिस्डिक्शन है हमारी सुप्रीम कोर्ट की। इसी तरह वो जो कहते हैं कि अदलिया पर अवाम का एतमाद है, तो जी आप जाएं और जाकर काउंसलर का इलेक्शन लड़े, हम भी देखेंगे आप पर कौन एतमाद करता है। बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनका डोमेन है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस हैं, और जो इंस्टीट्यूशनल हायरार्की है, उनकी अपनी इज्जत के लिए ये होगा कि वो उस इंस्टीट्यूशनल हायरार्की की इज्जत करें और उसकी पासदारी करें, और जो भी डोमेन है एक जुडिशरी का, बींग अ सेपरेट एंटिटी टू एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेशन, वो उस पर ही चलें। अगर वो नहीं चलेंगे तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी है। अब ये गवर्नमेंट क्योंकि इतनी वीक है कि आप देखें ना कि ये शेर तो इनका इंतखाबी निशान है, लेकिन मुझे कोई शेर वाली खासियत नजर नहीं आई PDM गवर्नमेंट जब से आई है, और को तो इनको तो यह है कि इनका काम हम लोग बैठकर कर रहे हैं और हमें ये थैंक यू भी नहीं कहते उसके बाद। इनके सोशल मीडिया मुझे नजर नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, वरना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है इस बात पर जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और जिस तरह से वो अल्ट्रा वायर्स कर रहे हैं जजेस, तो उस पर तो उनके सीधे सीधे रेफरेंस बन जाते, लेकिन वो नहीं बन रहे। और आप ये देखें कि पहले कभी ये नहीं हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट का जिस तरह से हुआ है कि जी उनका, क्योंकि दामाद एक MP और वजीर था, तो इसलिए सारे जो जिस तरह वफाकी वजीर कानून तारड़ साहब ने ये कहा है कि क्योंकि वो उनका दामाद PTI का वजीर था हुकूमत का, तो मेरे सारे केसेस वहां पर जाकर लगते थे, तो इससे बड़ा एक बदनुमा धब्बा पर और क्या होगा। तो अब मुझे नहीं पता कि अब शायद नॉर्म्स चेंज हो गए हैं, एथिक्स चेंज हो गई हैं, और सारे जो हम कहते हैं कि एक जो प्रोफेशनल आपका जो एथिकल प्रोफेशनलिज्म है, उसके सारे डायमेंशंस चेंज हो गई हैं। वरना मेरे भी ये था कि मैं जिस फैमिली से हूँ, चीफ जस्टिस जस्टिस मुख्तियार जुनेजो, या मेरे मियाँ के दादा जस्टिस BGN काजी, उनके दादा, और वो सब जस्टिसेस थे, जस्टिस मामून काजी उनके अंकल, तो वो तो बड़े ऑनरेबल जजेस थे, उनके लिए तो कानून और अपनी इज्जत से ज्यादा तो और कोई चीज नहीं थी। लेकिन अब हम ये भी देख रहे हैं साकिब निसार जैसे भी जजेस हैं, जिनका खुद पता चल रहा है कि उनको फैसला दो वकीलों ने लिख कर दिया था, और वो उसके बावजूद भी जिंदा रह रहे हैं और कहते हैं कि बाकी सब बकवास करते हैं। तो यू आई मीन यू जस्ट गेट सरप्राइज ऑफ द न्यू डायमेंशन, और जिस तरह से जो न्यू नॉर्म्स चल रहे हैं पाकिस्तानी सोशल स्ट्रक्चर में। चले जजेस पे जो है हम जरा थोड़ा सा ये वाली छोड़ देते हैं, आपको और मुझे जो है वो नोटिस आ जा रहा है, मैं आपको बता रही हूँ इसके बाद। जी मुझे अच्छा मकसद ये है कि मैं तो खुद कहूंगी कि जी मैं तो खुद वकील हूं और मैं आपकी इज्जत चाहती हूँ, मैं खुद जजेस की फैमिली से, मैंने तो नाम भी बता दिए हैं अब और हमारे जो बड़े जजेस थे। फिर मेरा मुकदमा आपको ही लड़ना पड़ेगा बगैर पैसे के। अच्छा शमन, ये जो एक बात चल रही है कि इमरान खान ने ये कहा रेड लाइन, कि मुझ पे जो रेड लाइन लगा रहे हैं तो मैं देखूंगा, मैं ये रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा, मुझ पे रेड लाइन इन्होंने लगाई। ये क्या ये वही रेड लाइन है जो इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ पूरी कैंपेन चला के उनके ऊपर लगवाने की कोशिश करते रहे वो, और अब वो अपने ऊपर रेड लाइन लगने से खौफ ज्यादा, ये वही रेड लाइन है? मैं नहीं समझती कि इमरान पर अभी तक रेड लाइन ड्रॉ हुई है। रेड लाइन ड्रॉ होती तो इसको लग पता जाना था। बात यह है कि अभी भी वो कहते हैं ना, रिश्ता खत्म हो गया लेकिन मोहब्बत अब जिंदा है। तो ये सिर्फ बाजवा साहब नहीं थे जिसने जाने के बाद भी इमरान को इतना ज्यादा फेवर दिया। फरहा गोगी को कह रहे कहते सुनने में आया कि फरहा गोगी को भी भगाने में बाजवा साहब का हाथ था, या इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाने पर, मैं तो आपको याद है, मैं शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा, बड़ी जगहों पर मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर UK एस्टेब्लिशमेंट से लोग ये कह रहे हैं कि जब तक आपका आर्मी चीफ है तब तक इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो वो तो उनके जाने के बाद भी गिरफ्तार नहीं हुए, तो फिर रेड लाइन कहाँ है। तो आई डोंट थिंक के रेड लाइन है, लेकिन हाँ अम्बर लाइन जरूर आ गई है, ये मैं कहूंगी कि वो जिस तरह से आपका एक सिग्नल होता है ना रेड होने से पहले अम्बर होता है, तो वो ग्रीन उनको नहीं रहा, अंबर में आ गए हैं, लेकिन रेड लाइन अभी भी नहीं है। रेड लाइन जिस दिन इनकी लग गई, तो जिस तरह से नवाज शरीफ साहब अभी तक पाकिस्तान नहीं जा पा रहे, तो फिर हाँ इनके इमरान खान को पता चल जाएगा कि रेड लाइन क्या है, फिर वो TV पर भी नहीं कह सकता कि मुझ पर रेड लाइन आई है। या आप देखें रोजाना तो TV पर बैठा होता है, पूरा फुल एयर टाइम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, प्रिविलेज मिल रही है, मीडिया मिल रही है, तो रेड लाइन वाले तो ऐसे नहीं होते। रेड लाइन लगी हुई है अल्ताफ हुसैन पर,
आप देखें अल्ताफ हुसैन आपको कहीं नजर नहीं आता, उसकी पाबंदी है अखबारों में उसका नाम लिखने की, ये होती है रेड लाइन। नवाज शरीफ से पूछे रेड लाइन क्या है। सही, बिल्कुल। अच्छा, ये अगर ये जो बात कही जा रही है कि कोलिशन गवर्नमेंट आ जाएगी, ठीक है, एक तो केयर टेकर सेटअप, लेकिन उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि हालात ऐसे नहीं है, जैसे आपने भी कुछ इंडिकेशंस दी कि भाई ये हालात इस तरह के, तो मैंने भी और जो प्रोग्राम्स किए, जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो जो कोलिशन गवर्नमेंट है क्या वो एक लंबे अरसे के लिए आएगी अगर ऐसा होता है, और उसमें फिर सारी पार्टियों को शामिल किया जाएगा, और उसमें क्या पीटीआई शामिल होने पे तैयार हो जाएगी, और क्या जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो उसके लिए तैयार हो, इसको कैसे देखेंगे? देखें वही अगेन के दो फैक्ट प्रोबेबिलिटीज हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि आपको एक पूरा आपका एक खाका है उसमें ये होता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन तो परवेज इलाही है, पीटीआई तो नहीं, सॉरी जो चीफ मिनिस्टर था वो तो परवेज इलाही था, और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन था वो हमजा शहबाज था, इमरान खान तो सीन में ही नहीं है। तो टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये चीज है कि वो हाँ दोनों बैठकर डिसाइड करेंगे कि केयर टेकर कौन आता है, लेकिन अब बात है कि वो किस तरह से वो बैठेंगे। हो सकता है कि जिस तरह से अभी गन पॉइंट पर जो कह रहे हैं कि पहले तो वो मुट्ठी में मुचड़ा हुआ था उस पर साइन हो, आपने देखा कि डबल लाइन हुई थी, ओवर राइटिंग थी, फिर उसके बाद मोनसिलाई ने दूसरा किया, तो हो सकता है इमरान खान मना कर दे परवेज इलाही को कि आपने नहीं बैठना। तो फिर ये होगा कि जब डेडलॉक होगा उनका कोलिशन गवर्नमेंट की फॉर्मेशन पर, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन को खुद बैठकर बनानी पड़ेगी। अब अगर वो बन जाती है तो अगेन जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो अगेन दो हैं, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे है 90 डेज का। हाउएवर इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट दोज इलेक्शंस सो फॉर सो मेनी फैक्टर्स जो कि हमें ऑब्वियस नजर आ रहे हैं कि सेंसस है, बल्दियाती इलेक्शंस हैं, रमजान है, इकोनॉमिकल जो सबसे बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तो वो सारे फैक्टर्स फिर ये है कि वो हो सकता है किसी कोर्ट में चले जाएं और फिर उनको अक्टूबर तक का मिल जाए, और या हो सकता है दूसरा हो जाए। अब दूसरी बात ये है कि कोलेशन सेटअप अगर टेक्नोक्रेट सेटअप में चेंज हो जाए, जो कि जिस चीज का बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम अगर इंतखाब जल्दी कराने के फेवर में नहीं है तो इंतखाब देर से कराने के भी फेवर में नहीं है। आई वंडर के बिलावल के उस स्टेटमेंट का इतना इम्पेक्ट क्यों नहीं हुआ, उसने एक्चुअली टेक्नोक्रेट सेटअप को एक बिग नो नो का पोस्टर दिखा दिया कि दे डिड नॉट एग्री ऑन इट। सिमिलरली मुस्लिम लीग नून भी एग्री नहीं कर रही, लेकिन अब बात यह है कि जिस तरह से इन्होंने जैसे कंप्रोमाइजेस किए हैं और जितने इन्होंने गलत डिसीशंस लिए हैं कि जब हमने इनको पूछते हैं हमसे जब बातें, तो मैंने इनको कहा था कि देखें आप जब वो कह रहा है इमरान खान असेंबली तोड़ दें तो तोड़ दें, क्योंकि आप लोगों के पास बंदे नहीं है। दूसरी बात ये कि सीरियसनेस का ये हाल था कि जो कि आपका चीफ मिनिस्टर का जो कैंडिडेट है वो पाकिस्तान में नहीं है, यानी एक तो आप फैमिली नेपोटिज्म पर चल रहे हैं कि एक जो मोस्ट मैं कहती हूँ कि इनकॉम्पिटेंट बंदा, चाहे कोई कितना भी नाराज हो, चाहे मैंने पीएमएलएन को कितना भी सपोर्ट किया है, लेकिन हमजा वाज टोटली इनकॉम्पिटेंट जो कि लड़ नहीं सका बींग एन अपोजिशन लीडर, उसमें वो रेजिलियंस नहीं है। सलमान शहबाज देखें वो आया है और उसने कितना वो इंगेज भी किया, बड़ा फियरलेस किस्म का स्पीकर निकला, तरीन से मुलाकात कर रहा है, लेकिन वो अपनी देखे ना अपनी वो प्रेजेंस दिखा रहा है, वो हालांकि वो किसी भी सेटअप में नहीं है पॉलिटिक यानी पॉलिटिकल सेटअप में, लेकिन वो उसने दिखाया। मरियम भी इस तरह से, लेकिन हमजा नहीं था, इनके अपने बंदे नहीं थे, चार पांच इनके बंदे पाकिस्तान में भी नहीं थे, तो ये किस तरह से ये सारा लड़ाई चल रहे थे मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये वॉर क्या थी। जब आपको पहले से पता हो कि आप बैटल में, क्योंकि मेरी तो पीएचडी है ना मिलिट्री एथिक्स और वॉर क्राफ्ट पर, तो मैं तो ये देखती हूँ कि जब आप बैटल में जाते हैं और आपको पता होता है कि हम लूज लूज पोजीशन पर हैं, तो फिर आप बैठकर इतना दंगल नहीं करते कि इस बात पर कि वो बेक ऑफ कर जाएंगे, वो ले आए अपने बंदे। और इस्टेब्लिशमेंट भी क्या हेल्प करती जब वो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो वो जब न्यूट्रलपन उनको दिखाना था वो किस तरह से उनके क्या 15 बंदे उठा लेते हैं, जिस तरह से जनरल फेस करते थे उनका तो उनसे ज्यादा नंबर था। और जो मेन फैक्टर है जो कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से भी बात की है, मैंने इनके इतिहादियों से भी बात की है पीडीएम से, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारा जो जो बंदा हमारा सुपे सलार नहीं था, हमजा
चाहे वो कहें कि उनकी वालदा बीमार थी या जो भी थी, तो ठीक है अगर वालदा बीमार थी तो वो बैठकर वालदा का वो करते, कोई और कर लेते। इतने इनके पास जबरदस्त कैंडिडेट्स हैं, क्यों नहीं उनमें से किसी को किया? तो क्योंकि शुरू में हम नाम सुन रहे थे हसन मुर्तजा का, और मैंने बल्कि मुबारकबाद भी दे दी थी हसन मुर्तजा को, तो पीपुल्स पार्टी के जो है वो, तो आप फिर देखेंगे अगर वो होता कैंडिडेट तो क्या दंगल मचना था। वो तो वी कैन ओनली अज्यूम, लेकिन वो नहीं हुआ सारा कुछ। और फिर ये है कि एक तो इन्होंने वो कहते हैं ना, नानी खसम किता बुरा किता करके छड़िया और बुरा किता, तो एक तो बिल्कुल इन्होंने लड़े बुरा किया, फिर ये वहां से वॉकआउट कर गए, वहां से अपनी बेइज्जती उन्होंने खुद कराई। और फिर आप यानी फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके हर गलत फैसले को बैठकर तो आप नहीं डिफेंड कर सकते ना। जी। अच्छा, तो मैंने आपसे पूछना था कि मिलिट्री एथिक्स में जो है आपकी पीएचडी है, तो आपने वहां अपनी मिलिट्री को कोई एथिक्स एथिक्स वेथिक्स जो है वो पढ़ाने की कोशिश नहीं अपनी की? मिलिट्री को या यूके मिलिट्री को? क्योंकि मुझे आज ही में लॉ सोसाइटी में एक्चुअली मेरा अच्छा, बेटा जब सुप्रीम मैं कोर्ट, कहती हूँ अपनी मिलिट्री को तो उसका मतलब होता है हमारी मिलिट्री, पाकिस्तान अच्छा नहीं मैं समझी अपनी मिलिट्री, मैं समझी यूके मिलिट्री, क्योंकि यूके मिलिट्री का तो इंशाल्लाह ताला अजीज सैंडर्स एकेडमी में मेरे प्लान हैं कि मेरी वॉइस ठीक हो जाए और मैं अगर कुछ लिखने जैसा मेरा ये जो हाथ है वो हो जाए बेहतर, तो मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगी। लेकिन अपनी मिलिट्री का मेरे लिए ऑनर होगा कि अगर मुझे बुलाते हैं तो आई विल बी लाइक सो ग्रेटफुल टू टीच देम एथिक्स ऑफ, नहीं, बहुत जाहिर है जरूरी मैं। है एथिक्स, जो मिलिट्री एथिक्स जो है वो तो ऑब्वियसली और आप आप कितना मजा आएगा वैसे अलिया। आई कैन ओनली ड्रीम टू टीच एथिक्स। आई मीन मैं तो वॉलंटियरली, बस मुझे टिकट देते हैं बिजनेस क्लास का, क्योंकि मैं लंगड़ी हूँ तो मैं इकोनॉमी में नहीं बैठ सकती, मैं तो मुफ्त में जाकर पढ़ाऊंगी वहां पर जाकर, जो मैं देखती हूँ कि वो सारा उस पर काम कर रहे हैं सिक्योरिटी के इश्यूज पर। दूसरा अफगानिस्तान का बहुत, जो मैंने उनसे बात की है तो उनका जो सारा कुछ है वो अफगानिस्तान पर, जहाँ जो अटैक हो रहे हैं और सारा सिक्योरिटी इश्यू है। और तीसरा जो है वो इकोनॉमी का है। पॉलिटिशियंस पर तो यह है कि मतलब यह है कि वो कहते हैं कि बस अभी आप देखें, अब ये इनका अपना है, देखें किस तरह से चलाते हैं क्या है। तो मुझे वो इतने एंथुसियास्टिक नजर नहीं आते जितना 2018 में होते थे, जो कहते थे अगर आप इमरान के सपोर्टर नहीं है तो आपको पाकिस्तान के गद्दार है, हाँ, एग्जैक्टली तो वो होते थे। वो होता था कि जी मिलिट्री का आप देखें कि हाइब्रिड रिजीम का किस तरह से हैमर कर रहे हैं। लेकिन बस फिर ये हुआ कि अगर वो तजर्बा कामयाब हो जाता आलिया, तो फिर हमने भी डिग्रीज जलाकर फिर घर में बैठ जाते। मैंने तो कहा था उनको कि ये इंसान इस तरह से नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को कहा, वो सारे रिटायर हो गए हैं अब, और कहते हैं कि नहीं आप और बहुत सारे दूसरे लोग ठीक ही कहते थे, लेकिन बस इट्स टू लेट। ठीक। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। और अब आप जो है वो अपना जो भी अभी घर पहुंची हैं, काम करना चाहें वो आप करें, और आपसे इजाजत चाहेंगे और दोबारा भी आपसे बात। बहुत थैंक्स, शुक्रिया आलिया, इट इज ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू बी विथ सीनियर। यू। जी थैंक जी यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।